विजय दिवस के रूप में रैली थी? नहीं नहीं नहीं, ये आक्रोश रैली के रूप में ही मनाई गई है। तो पदाधिकारी कंफ्यूज हो गए कि पीछे लोग क्या चाहते हैं, लेकिन बता दिया मैंने कि आक्रोश रैली के रूप में ये रखी गई थी हमारी रैली। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे पिक्चर क्लियर हो रही है हमारी, ये बात क्लियर हो रही है कि 99% डॉक्टर्स हमारे प्रतिनिधियों द्वारा करे गए फैसले को स्वीकार नहीं करता है। अब क्योंकि स्वीकार नहीं करता है तो सवाल ये, काम तो डॉक्टरों को ही करना है ना, केवल 10 प्रतिनिधियों से तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए हम एक बार हमारे प्रतिनिधियों से और बातचीत कर लेते हैं। बाकी डॉक्टर्स की हड़ताल प्रदेश में फिलहाल जारी है। सीएम से वार्ता हुई, उस वार्ता में किस प्रकार से वार्ता हुई है? सीएम के स्तर पर जो भी वार्ता हुई है उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से भी हुई है, एसीएस से भी हुई है, लेकिन सवाल ये कि जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग चले थे कि इन मांगों से कम अपन नीचे आएंगे और इससे पीछे हटना नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे अधिकारियों को दबाव में ला करके एक एमओयू साइन करवाया। तो हमारे अधिकारियों से उनकी पोजीशन क्लियर करेंगे पहली चीज, और दूसरी चीज उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारे इस आंदोलन में आप जुड़िए और इस आंदोलन का हिस्सा बना रहिए, क्योंकि 99% लोग हमारे प्रतिनिधियों के जो एमओयू साइन का जो उनका सिस्टम है उससे बिल्कुल भी रेडी नहीं है और वो आंदोलन करना चाहते हैं। आपके डॉक्टर प्रतिनिधि तड़के 3 बजे सीएम हाउस में सीएम से मिलने गए, सुबह 3 बजे चीफ सेक्रेटरी के पास मिलने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उनको दबाव में लाते हुए उनसे साइन करवाए जबरदस्ती। अब देखना पड़ेगा कि एक बार क्या दबाव था ऐसा जिसमें हमारे प्रतिनिधियों ने साइन किया है। अभी हम हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे रहेंगे जब तक कि आगे और कोई रणनीति नहीं बन जाए। क्या कारण रहा रात को 3 बजे? चौधरी हूँ मैं, उपचार यहाँ पर संकट है, पर अभी मैं मूल रूप से पूरे 99% डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता हूँ उपचार की जगह, जिनकी मूल भावना है कि आंदोलन चलेगा और डॉक्टर्स कार्य नहीं करेंगे। उसके साथ और जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर है उनका 99% लोगों का मत है कि जो हमारे पदाधिकारियों से दबाव में ला करके सरकार ने रातों रात जो साइन किए करवाए उस एमओयू पे, ये किसी भी सूरत में हमको मान्य नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब हमारे पदाधिकारियों ने साइन कर दिए किसी दबाव में, लेकिन 99% डॉक्टर्स की पॉपुलेशन ये कह रही है कि वो किसी भी रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है, तो बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई है प्रदेश में। पूरा अभी भी प्रदेश मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ है। 99% लोगों का मत है कि हम काम नहीं करेंगे, आरटीएच बिल वापस होना चाहिए। तो सबसे बड़ी सवाल यह है कि कोई आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन जारी है। हम हमारे पदाधिकारियों से बैठ के शाम तक बातचीत करेंगे और आगे का स्टैंड क्लियर करेंगे। और मैं अपनी मंशा जाहिर कर देता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने एमओयू के बिंदुओं को रखा है उससे यह आंदोलन उलझ गया है और आंदोलन जारी रहेगा। हम हमारे पदाधिकारियों से एक बार बात करके आपको शाम तक सब कुछ क्लियर कर देंगे।